गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे दोस्तों, स्वागत हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की कृपा से मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूँ। और सुबह सुबह देखो भाई, हम बैठे हुए हैं खटिया पे और अंदर हैं आज, और लाइट देखो जल रही है। यहाँ की लाइट ना हमेशा जलती रहती है क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है। और बर्थडे वाला जो वीडियो था ना यार, उसमें हमने बहुत अच्छा अच्छा डांस ऐड किया था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ वैसे ही उसमें कॉपीराइट आ गया, तो मुझे वो सब हटाना पड़ा। तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था हटाने में, लेकिन क्या किया जाए, कॉपीराइट आ गया तो हटाना पड़ा मुझे। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को एंजॉय करिएगा और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा भर भर के। आज सुबह सुबह ना हम सबसे पहले नहा धोकर लड्डू गोपाल जी को नाश्ता करवा रहे हैं और मम्मी पीछे अचार अचार का डिब्बा खाली कर रहे हैं क्योंकि खटाई बनाने का टाइम आ गया है। तो हम लड्डू गोपाल जी को नाश्ता करवा रहे हैं भाई, उसके बाद हम लोग भी करेंगे। और आज हमने नाश्ते में बनाया हुआ है चना, फ्राई किया हुआ है। तो किसको किसको चना फ्राई अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताइएगा, मेरा तो फेवरेट है। और इधर साइड में मैंने दाल चढ़ाया हुआ है और यहाँ पर आग जला के सेवई बनाने की तैयारी हो रही है। और बहन जी खा रही हैं, सेवई नहीं खा रही है, कुछ और खा रही है। पहले क्या था ना कि तैयारी नहीं थी सेवई बनाने की, फिर जब धूप निकल आई तो मेरी मम्मी का दिमाग चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि आज सेवई बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हमारे भैया जी आ रहे हैं तो स्पेशली उनके लिए बनेगी। फ़िलहाल उनको मीठा पसंद नहीं है, लेकिन फिर उनके लिए बनेगी तो फिर सबके लिए बन जाएगी, इसीलिए उनके आने के खास मौके पर सेवई बन रही है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ दूध वाली सेवई किसी को नहीं पसंद है, तो हम मिल्क वाली सेवई नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे खोए वाली सेवई। और हमने खोए वाली सेवई की जो रेसिपी है उसको एक बार और शेयर किया है आप सभी लोगों के साथ ईद पे, तो ईद वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। तो सेवई मैंने भून लिया, उसके बाद मम्मी कही कि थोड़ा सा पेड़ा बना दूँ, तो मम्मी अभी पेड़ा बना रही हैं, उसके बाद सेवई बनेगी। और मैंने यहाँ पर काजू और बादाम वगैरह काट के घिस लिया अच्छे से, नारियल वगैरह। तो अब इसको इसमें क्या किए हैं कि चाशनी बनाए हुए हैं और चीनी डाली हुई हैं और सारा जो मटेरियल है उसको ऐड करके इसको अच्छे से इसका जो है वो सीरा बना लेंगे। उस सेवई जो है वो अंदर रखी थी तो अंदर से हम उसको बाहर लाए। और आज जो है ना वो सेवई का लास्ट डे है क्योंकि आज के बाद हमारे यहाँ सेवई ख़त्म हो जाएगी। तो एक झिल्ली में ये है, एक झिल्ली ब्लैक वाले में है, तो दोनों को अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें कुछ पड़ा उड़ा तो नहीं है। और ये देखो खोया है, अब इसमें खोया मिला देंगे। खोया मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से फोड़ के फिर एक जो डिब्बा होता है उसमें रख के और उसमें सेवई डाल देते हैं। फिर जब सेवई ठंडी हो जाती है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसको 3-4 दिन तक स्टोर कर सकते हो अच्छे से। और फिर क्या हुआ कि मम्मी ने तोड़ा हुआ था मैंगो और अभी तक हम जा नहीं पाए अपने मैंगो के पेड़ के पास, तो हम किसी दिन जाएंगे और आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। तो इसको अच्छे से धुल के रख रही हैं क्योंकि भैया लोग आ गए हैं तो उनके लिए पैकिंग करना है और वो आज ही आए हैं और आज ही जाएँगे। तो भैया के साथ राजदीप भी आया है, राजदीप जी हमारे भैया हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, ना पता हो तो जान लीजिए। तो मम्मी इन लोगों के लिए पैकिंग कर रही हैं, ये देखो 3-4 अचार का डिब्बा है। और ये आज पता है हमारे यहाँ का जो लिफाफा है वो पूरा ख़त्म होने वाला है। राजदीप अपने में पैकिंग कर रहा है, भैया पैकिंग इधर चल रही है, वो देखो बड़ा वाला डिब्बा, ऐसे ही मैंगो ये लोग ले जाएंगे। ये और ये जो आप सभी लोगों को ये मैंगो दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, वो ना हमारे गार्डन का है। फ़िलहाल हमारा गार्डन ही, हमारे यहाँ एक ही पेड़ है मैंगो का, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंगो हैं और खाने में बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी भैया के लिए तोड़ा गया है, घर के लिए नहीं तोड़ा गया है, तो हम किसी दिन जाएँगे आप सभी लोगों को दिखाएँगे। क्योंकि अब की बार ना हमारे मैंगो के पेड़ में इतने सारे मैंगो हैं, इतने सारे मैंगो हैं कि पूछिए ना, नीचे तक लटके हुए थे। सो गाइस, भैया लोगों की पैकिंग हो चुकी है और ये लोग जाने वाले हैं क्योंकि इनके ट्रेन का टाइम हो गया है। गाना गाओ और गाओ, गाना गाओ, शालू मौसी को सुनाओ, हाँ गाना गाओ, अपनी मौसी को गाना नहीं सुनाओगे, शालू मौसी को गाना नहीं सुनाओगे, गाना गा दो, अच्छा सा गाना गा दो, हनी सिंह वाला गाना गा दो, हाँ गाओ गाना, ये हनी सिंह वाला था, बादशाह वाला गाना सुनाओ,
हनी सिंह वाला। अच्छा सुना, ये हनी सिंह वाला गाना गाऊं, हनी सिंह वाला। हाँ शालू मौसी के लिए गा दो यार, शालू मौसी के लिए गाना गा दो। हाँ हमारे लिए मत गाओ, शालू मौसी के लिए गा दो। हाँ सो गाइज, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरा जो बेबी बॉय है वो मुझे कितना मिस कर रहा है अपने घर से। तो वो मेरे लिए सॉन्ग सुना रहा है जबकि वो बोल नहीं पाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है उसके पास पहुंच जाऊं। मुझे ना बहुत उसकी याद आती है, लेकिन क्या करूं, वो इतनी दूर है। सो गाइज, कैसा लगा मेरा पुच्चू बेबी? आई होप वो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा और उसकी आवाज़ भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और कैसा लगा हमारे बगीचे का आम? तो हम किसी दिन जाएंगे तो आप सभी लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। सो अभी के लिए मैं वीडियो को इतना ही रखती हूँ और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।